नमस्कार, मैं अनुराधा सिंह, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से आपका स्वागत है। प्रयागराज माघ मेला 2022 का हुआ समापन, श्रद्धालुओं की लगी भीड़। प्रयागराज जिले में लगा महापर्व माघ मेला आज समाप्त हुआ। सभी श्रद्धालु आज अपने घर को निकले। इसी क्रम में आज अरैल से भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और माघ मेले से रवानगी ली। वहीं प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि किस तरह उन्होंने इस बार साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा और श्रद्धालुओं ने उनकी खूब सराहना की और महाकाल सेवा ट्रस्ट द्वारा उन्हें स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस एवं पीएससी के अधिकारियों ने भी उनकी खूब सराहना की। का अंतिम दिन है और यहाँ पे जो साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, साफ सफाई तो बहुत अच्छी है इस साल, हर साल की अपेक्षा इस साल बढ़िया साफ सुथरा है। हर जगह का जो भी कार्यकर्ता हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बड़ा मेहनत से काम करते हैं सर। और जैसा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था सर, हर जगह ड्यूटियां लगी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ की जो स्वच्छताएं आप करा रहे हैं, आज आपका, जैसा आप जानते हैं, आज माघ मेले का लास्ट दिन है। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो श्रद्धालु यहाँ पर आके चले गए, और जो साफ सफाई के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम साफ़ सफाई अच्छे से चल रही है। शिवरात्रि के पर्व लास्ट दिन है था, साफ़ सफाई अच्छा मेरा चल रहा है, हमेशा ही चल रहा है, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं मिल रही है। असीमो साहब की विशेष रूप से ध्यान था कि कल भी आए थे, विजिट कर गए, आज भी आए थे सुबह, ऐसा कोई ऐसा नहीं जहाँ सफाई नहीं होगी। जो स्वच्छता आप करा रहे थे, आप अपने कर्मचारियों के विषय में क्या कहना? एकदम अच्छे काम किए उन लोग, आप लोग खुद देखे होंगे, इतना अच्छा काम किया कि कोई कर नहीं सकता। और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हमारे सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब ने अच्छे से काम किया, दीवान जी लोग हमेशा रहते हैं यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई। आपका नाम? धर्मेंद्र यादव, प्रभारी निरीक्षक अरैल।